हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गैस टॉर्च। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक प्लास्टिक बोतल की 2 लीटर, और दूसरा हमें चाहिए होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो है कैल्शियम कार्बोहाइड। इसको कॉर्बेट भी बोलते हैं, जो लोग फल वगैरह पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा हमें चाहिए होगा ड्रिप सेट, जो मेरे पास पुराना है। आपके पास अगर नया है तो आप नए का उपयोग कर सकते हैं, पुराना भी यूज किया जा सकता है। और एक कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें आग जलाना है। और दूसरा है मेरे पास एक हेवी क्विक। इसके अलावा हमें एक चाहिए होगा कैंची। बस इन्हीं चीज़ों से हम एक बहुत ही शानदार और पावरफुल गैस टॉर्च बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉटल के कैप में एक छेद करेंगे। इस कैंची की सहायता से बीचों बीच एक छेद कर देंगे हम। ये छेद बहुत बड़ा नहीं करना हमें, इस तरह से हम एक छेद कर लेंगे ऐसे। उसके बाद ये ड्रिप सेट का अगला वाला जो हिस्सा है, इसको इसमें हम टाइट फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें इसको फिट कर लेना है। अब इसमें से एयर बाहर ना निकले, इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम इस तरह से फेविक्विक थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे ताकि ये लीकेज बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ा यहाँ से भी, इतना काफ़ी है। थोड़ा सूखने देंगे इसको। तो लगभग हमारा काम रेडी हो गया है। अब हमें ज़रूरत होगी कैल्शियम कार्बोहाइड की। हमें बड़े पत्थर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जाएगा नहीं, तो छोटे वाले पत्थर निकाल लेते हैं। ये बड़ी आसानी से मिल जाता है हार्डवेयर की दुकान पर, बस इतना इनफ है। इस तरह से हम इसमें पत्थर भर लेंगे, ये कैल्शियम कार्बोहाइड का। तो हमने सारे छोटे टुकड़े इसमें बॉटल में भर लिया है। अब हमें इसमें पानी डालना है। आप देख रहे हैं इसमें गैस निकलना शुरू हो गई है, और तुरंत इसमें हम क्या करेंगे, बॉटल को कैप लगा देंगे बिल्कुल टाइट फिट। आप इसकी रासायनिक क्रिया देख रहे हैं कितनी फास्ट है। अब हम कैंडल जला लेते हैं पहले, और फिर प्रयोग कर देखते हैं इसका। तो अभी कैंडल जल चुकी है, अब इसका हम देखते हैं। इसके आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज इसमें गैस बन रही है और कितनी पावरफुल है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा भी यहाँ से तेज करता हूँ। दोस्तों, ये होती है रासायनिक क्रिया। जैसे ही हमने कार्बेट में पानी डाला तो इसमें गैस बनती है, और उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस, और इसी का उपयोग करके गैस वेल्डिंग की जाती है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल गैस टॉर्च बना सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी और ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।